आज उनके उनकी टीम से कोई ना कोई यहाँ पे चाहिए था, तो ये काफी हमारे लिए जो होना है वो हो गया। अगर कोई उनकी सीबीआई बंदूक है तो ये हम तो बोलते हैं कि उन्होंने मारा है, उनको यहाँ पे आना चाहिए था एटलीस्ट, वो ब्रीफ करते यहाँ पे लोगों को, भागने वाली क्या जरूरत है। उसके बाद ये एक एम्प्लॉई के लिए नहीं, सब एम्प्लॉईज जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी ये, उनके भी जो राइट्स हैं उनका वायलेशन किया नहीं, अगर वो प्रॉब्लम हुई है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कोई आप सीधे तो काम था। आपने एक आपने इंफॉर्म किया इनकी फैमिली को कि आपके मेंबर को, हमें किसी ने इंफॉर्म नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। उसकी हालत डिटरेशन होने लगी, वो इंफॉर्म तो करना चाहिए कम से कम की हालत ये है, तो हम हॉस्पिटल लेके आए उनको। देखो मैम, पुलिस की कस्टडी में भी लोग होते हैं, एनआईए हर कस्टडी में होते हैं, पर शॉकिंग ये है। अब तो उस कहना पर जो हेड कांस्टेबल है और जितने भी आप भी मीडिया के लोगों को भी पता चला होगा कि अभी जो हमारे पास भी फीडबैक आई है इनकी कि शरीफ और ईमानदार व्यक्ति थे, मे बी ही वॉज ट्रैप्ड, बट लेकिन इस तरह से अगर उनको टॉर्चर किया गया एंड ही वॉज कि उनको इतना प्रेशराइज किया गया कि ही वॉज कम टू द इन्वेस्टिगेशन, टॉर्चर की वजह से उनकी डेथ हुई है। और मैं तो मानता हूँ दिस इज़ अ मर्डर, जो आज वो जो जाँच एजेंसी के लोग हैं आज क्यों नहीं आए वहाँ पर, आज उनको आना चाहिए जहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट आया है और उनको दुख भी हो रहा है, लेकिन जो जांच एजेंसी की टीम थी एटलीस्ट उनके डिपार्टमेंट से यहाँ पे देर शुड बी वन रिप्रेजेंटेटिव टू एड्रेस द पीपल। आज उनके घर वालों से कौन बात करेगा कि हुआ क्या है, ठीक है एफआईआर लगेगी, हम कोर्ट में भी इनके खिलाफ जाएंगे, इनके इंसाफ मिलेगा, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल जो एम्प्लॉई हैं ये दूसरे भी एम्प्लॉयज़ के लिए एक चैलेंज है कि जो एम्प्लॉई की सेफ्टी का कंसर्न है, कोई रिश्वत लेता है ठीक है जांच कीजिए, जो भी जो जांच में पाया जाता है उसको सजा दीजिए, लेकिन ये किसी को इतना टॉर्चर करने का या मारने का जो अधिकार है ये किसने इन जांच एजेंसियों को दिया है, ये इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग खुद हत्यारे हैं, इनको ये देखिए ये रिपीटेडली इस तरह से इंसिडेंट्स हुए हैं कि कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, ये बहुत अलार्मिंग है। ऐसे आप किसी को भी ठीक है जो अगर वो अक्यूज्ड हैं आप जांच कीजिए, उसके बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं जो भी कानूनी तरीके से जो उनकी सजा होगी वो मिलनी, हर किसी को मिलनी चाहिए, लेकिन बिना प्रॉपर जाँच के उसके परिवार वालों को पता नहीं है, रात को 9 बजे वहाँ पर जाँच एजेंसी के लोग जाते हैं, तो ये आज क्यों नहीं आए हैं यहाँ पर, वो उनको आना चाहिए, मीडिया को फेस करना चाहिए और एक प्रेस बुलेटिन होना चाहिए उनकी तरफ से कि क्या हुआ है, आखिर इस तरह का कौन सा उन्होंने टॉर्चर किया कि उनकी उनकी डेथ हो गई है। उनके बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा 8 साल का है, ये पारिवारिक कितना बड़ा उनके परिवार पर एक लॉस हुआ है। और ये दूसरे एम्प्लॉयज के लिए भी बात कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय की सेफ्टी, एम्प्लॉय के जो राइट्स हैं ये उनका भी वायलेशन है, अगर ऐसा कुछ हुआ था हमें पता नहीं है कि हुआ क्या है, तो उनको जांच करनी चाहिए थी, उनके पुलिस के डिपार्टमेंट को भी उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुटू है किसी एम्प्लॉय को भी पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं है, बिलावर में भी ये गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ भी जानकारी नहीं है इस रेड के बारे में, कोई भी पता नहीं है, तो ये बड़ा शॉकिंग है हमारे लिए। हम चाहते हैं एलजी प्रशासन से, मनोज सिन्हा जी से और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे सांसद भी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि ये जो सीबीआई के ये लोग हैं जिन्होंने इस तरह से मनमानी की है इन पर प्रॉपरली इनकी जांच होनी चाहिए। जो परेशान ट्रॉय ये क्या नाम है, कहाँ क्या लगते थे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन वाला। तो आपको कब पता चला कि हमें शाम को लगा 9 बजे पता। अच्छा हाँ 9 बजे पता। कौन आया था घर में सुना? घर में किसी ने फोन कर दिया। अच्छा पुलिस ने इन्फॉर्म किया? हाँ वो भी आए थे ना पहले 8 बजे, तो वो आए हमारे घर में। अच्छा वो वही चोर जो थे उन्होंने हमारा साथ मेरा जबरदस्ती साइन करवाए। कौन सीबीआई वाले? हाँ मुझे पता नहीं कौन थे वो सीबीआई वाले थे, कौन था कोई नहीं था, दो लेडीज थी, पता नहीं पेपर था कुछ पेपर था। क्यों साइन करो? हम तलाशी लेंगे,
मैं उन्हें जबरदस्ती साइन कराए और सब कुछ हमारे घर में तोड़ फोड़, बेड बक्से, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर सब कुछ तोड़ दिया। तो बताया आपको किस लिए साइन करने हैं, क्या है? बोला ना तलाशी, तलाशी लेने, बस और कुछ नहीं, तलाशी के लिए। क्या लेके गए वहाँ से? वो नहीं है मुझे, मैं बहुत हो गई थी, मुझे नहीं पता क्या लेके गए क्या नहीं लेके। आपके क्या लगते थे? पति थे मेरे। कितने बच्चे हैं? इनको चार बच्चे हैं, मेरे पापा थे। क्या मामला, कब पता चला? साढ़े नौ बजे पता चला। फिर पता चला कि 8 बजे डेथ हुई है और 9:30 बजे हमें क्यों पता चल रहा है, जबकि 8 बजे हमें पता लगना चाहिए, जबकि उनकी कंडीशन बहुत नाजुक हो चुकी थी। तो क्या घर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा? लावारिस थे वो, हाँ, कोई नहीं था उनका। तो अब हमें घटना सामने आई है, क्या मांग, क्या करते हैं? जस्टिस, जस्टिस। किस तरह का जस्टिस? पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई, असल की कठुआ से, आपकी क्या कहना है? और देखिए उन्होंने बोला कि क्वेश्चनिंग डीसी से करो आप जाके, मतलब हमसे नहीं करना, कि क्योंकि ये सीबीआई का मामला है, तो क्या बोलते हैं, हम इसमें कुछ नहीं करते, डीसी वगैरह उनसे क्वेश्चनिंग करो आप। तो अब क्या चाहते हैं आप डीएम कठुआ से, क्या चाहते हैं? क्वेश्चनिंग करनी है, हाँ, तो फिर जस्टिस दो हमें और पापा दे सकते हैं वापस, हाँ दे सकते हैं वापस पापा। कैसे? मेरे पापा शेर थे, शेर, किसी ने ना पीठ पीछे हमला किया, पीठ पीछे हमला किया, सामने आके करते ना, कर ही नहीं पाते वो हमला। शेर थे मेरे पापा, स्ट्रेंथ थी मेरे, अब मेरी स्ट्रेंथ है ही नहीं, मैं क्या करूँ? क्या लगता है आपको, कोई रंजिश तो नहीं थी जिसने कोई कंप्लेंट की थी? कोई नहीं लगता मेरे को, कुछ भी नहीं लगता। अब जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा उनको पापा से रंजिश थी या ना थी, हमें इस बारे में कोई पता। आप क्या चाहते हैं, आप जांच चाहते हैं पूरी तरह? हाँ बिल्कुल जांच चाहते हैं, जस्टिस चाहिए, क्योंकि पापा अगर आप वापस दे सकते हैं तो हम छोड़ देते हैं ये सब, अगर नहीं देते हैं मेरे पापा मेरे को वापस, तो फिर जांच तो पूरी होनी चाहिए सबसे पहले, क्या बोलते वो कंप्लेन की। जबकि ऑन ड्यूटी था वो, मुंशी था वो, रोजनामचे पे उसको उठाया, रोजनामचे से उठाया उन्होंने और कमरे में उसको हरासमेंट किया, 2-3 घंटे के बाद पता चला कि उसकी डेथ कर दी उन्होंने। अब डेड बॉडी ऐसे थोड़ी उठाएंगे हम। अभी डीएजी कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाएंगे, क्या कोई बात नहीं, अभी हम देखेंगे, अभी पहले एफआईआर, उसके बाद देखेंगे, उसमें बोर्ड बैठेगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद डेड बॉडी की बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा सर अब्दुल कयूम नाम है। मेरा भतीजा लगता था। है तो लड़का, सब लोग कह रहे हैं कि सही था, कोई मतलब कोई साजिश थी नहीं, अगर उसे सर मेरे पास अगर कोई कंप्रोमाइज के लिए आए कि जी दो आदमी का झगड़ा है, इनका कंप्रोमाइज करना, तो एक साइड से तो नरम होना ही पड़ता है। अगर उन्होंने कोई मियां बीवी का कोई कंप्रोमाइज करवाया था, उनकी कंप्लेंट थी, या उसको हस्बैंड से बीवी को पैसे दिलवाए, तो ये थोड़ा कि रिश्वत हो गए। अगर रिश्वत उसने ली है तो वो सामने आ जाएगी, कितने लिए, क्या लिया, कब लिए, कंप्लेंटर कौन है उसमें, ऐसे थोड़े ऑन स्पॉट उसकी डेथ कर दी उन्होंने 2-3 घंटे में। क्या जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए या मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी, क्या चाहते हैं? नहीं, हमें सबसे पहले तो एफआईआर, उसके बाद बोर्ड बैठेगी, उसमें मजिस्ट्रेट होंगे, मजिस्ट्रेट साथ में बैठेंगे, हमारे 1-2 आदमी टीम में होंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा उसका। कल शाम को जब सीबीआई की टीम आपके घर गई थी इनके, तो उस दौरान भी कोई पथराव या कोई वहाँ पे भी कोई? वहाँ कुछ सर, वहाँ उसकी बेटी थी, एक मिसेज थी उसकी, वहाँ एक लोग वो एक लेटर सा दे आए हैं कि हम यहाँ आए हैं, हमने फलानी फलानी चीज़ यहाँ से उठाई है, एक राशन कार्ड की नकल है, फोटो कापी, एक चेकबुक से उन्होंने एक चेक निकाला है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक सर, शुक्रिया। मेरा अली मोहम्मद। आप क्या लगते थे इनके? मैं सका भाई हूँ इनका बड़ा जी। हाँ, क्या लगता है किस तरीके से इनकी डेथ हुई, आपको क्या लगता है? अब मुझे ये कोई पता नहीं इस बारे में कि कैसे हुआ, उनको मारा गया या जबरदस्ती हुआ, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मुझे मालूम नहीं, ये तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, मैं ये नहीं बता सकता। किस तरह की जांच चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए जनाब, इसका जो भी किया होगा उसका इंसाफ चाहिए, हमें एफआईआर उनके नाम की चाहिए जिन्होंने उनको अरेस्ट किया था। अगर कुछ भी था तो कोई ना कोई बात होती है, बात से मतलब ये थोड़ा है कि बैल लाया और उसको कत्ल कर दिया और चला गया, वो ये थोड़ा होता है, इंसान को इंसानियत चाहिए। अब कुछ भी होगा ऐसे ही कई दुनिया ऐसे ही मरती जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अब ये महकमे के आदमी थे, इनको तो एफआईआर उन पर करनी है भाई, हमारे साथ जो भी हुआ
वो जो है वो गलत हुआ। इसका परिवार का कौन कौन आगे बीवी बच्चे? हाँ बीवी है उनकी, दो बेटे हैं इसके, एक बेटी।